तेज रफ्तार के कहर ने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, पत्नी से उसका पति और एक ऐसी बच्ची से उसका पिता छीन लिया जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। तेज रफ्तार से आ रही कार ने युवक को जोरदार टक्कर मारी जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के घर पर मातम छा गया है क्योंकि युवक की अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी माँ भी बनने वाली है, लेकिन उससे पहले ही खुशियों के बीच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जिससे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका नहीं भाई या दो इसके बड़े वो भी दोनों गुजर चुके हैं अचानक, जवान इससे जो बड़े थे। अब दो भाभी हैं इसकी, वो दोनों विधवा हैं, दो छोटे छोटे दो लड़की हैं, लड़का कोई इसके नहीं ना इसके है। अब भाई की बच्ची जो है इसने ही गोद ले रखी, उसको कौन शादी करेगा, कौन उसको ब्याहेगा, कौन कारोबार करेगा। वो छोटा बच्ची लड़की है वो इसके भाई की है, वो इसने पास अपने रख रखी है। तीन भाई थे, तीनों इस दुनिया से चले। हमने दो और हैं, छोटे छोटे हैं, पाँच भाई थे, अब दो हैं। कारोबार जो था घर में यही करता था। और इसका बच्चा कोई ना, बल लड़की है वो। उसका भाई की लड़की ना, वो उसी ने अपने पास रख रखी है। भाई की वो ये कमाने खाने वाला था, सारे परिवार का पालन पोषण यही करता था। क्या बच्चा होने वाला था इनको? बच्चा होने वाला है। पानीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने इस्मालखा खंड के गांव भापरा मोड़ पर महावीर धर्म कांटे के पास अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे राजू नाम के युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को टक्कर मारकर अज्ञात कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। ये ना हमारा जो लड़का है जो स्क्रैप का काम करता है और समालखा की साइड गनौर की साइड काम करने के लिए रेगुलर जाता है, कल भी वो अपने काम के लिए समालखा गया था। समालखा से गनौर की तरफ जा रहा था, वहाँ गाड़ी का इंतजार कर रहा था और एक कोई गाड़ी स्पीड में आई और उसको टक्कर मार के आगे की तरफ गनौर की तरफ निकल गई। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी ऐसा ना, गाड़ी की जिसने भी शिनाख्त की है, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था, वो अभी आ जाएंगे और तभी हमें पूरा तभी पता लगेगा। जो लड़का उसके साथ था ना, जिसने भी वो नंबर गाड़ी का नोट किया है या कौन सा कलर था, ये सब सारी बातें तभी पता लग पाएगी। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम राजू है, सनोफ हुकम चंद, खटीक समाज से है, खटीक बस्ती पानीपत का रहने वाला है। बस भगवान ने इतना दुख दे दिया इस परिवार को कि वो मान लो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। 30 वर्षीय मृतक राजू की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि मृतक राजू ही घर को संभाल रहा था। परिजनों ने बताया कि करीब 6 महीने के अंदर इससे पहले मृतक युवक के दो भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, परिजनों ने बताया कि युवक की करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी और युवक की पत्नी भी प्रेग्नेंट है। आपको बता दें कि मृतक राजू वेस्ट मटेरियल का काम करता था जो भापरा मोड़ पर अपने घर पानीपत खटीक बस्ती में आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तेज रफ्तार कार ने उसे सीधी टक्कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश करने में जुट गई है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। To your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining. Samsung LED TV, Western LED TV, Westway LED TV, world class
एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग ओप्पो वीवो, आसान किस्तों में, जीतो 2.5 लाख रुपए के नाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत, 9812145।